और आपको सीधे ले चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की, लाडली बहनों की, आज के इस कार्यक्रम में दमोह जिला जवेरा विधानसभा और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता सम्मान्य प्रहलाद पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, भारत सरकार, बहुत सारी जवाबदार, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का करिए, जिन्होंने अपना समय भी इस समय को देखते कम कर लिया। जोरदार ताली बजाओ, ताली में मजा नहीं आया। और कितना सुखद संयोग है, मंच पर आज हमारे और भी मंत्रीगण विराजमान हैं। श्रीमान धर्मेंद्र जी लोधी, जोरदार तालियां धर्मेंद्र जी के लिए। लखन पटेल जी के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए, हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल भाई के लिए जोरदार अभिनंदन। वरिष्ठ नेता हमारे माननीय मलैया जी के लिए जोरदार तालियां बजा, जय हमारे जयंत मलैया जी के लिए। कहां मलैया जी बैठे कि नहीं बैठे भाई साहब? इस अवसर पर मौजूद हमारे अपने कुसुमारिया जी, आपका भी अभिनंदन बाबा। उमा दीदी आपका अभिनंदन, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आपका अभिनंदन, प्रद्युम्न सिंह जी आपका भी अभिनंदन, और बगल में कौन है, दशरथ सिंह जी, दस्यु भैया आपका भी अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजाकर बहनों सहित आप सबको प्रणाम करता हूं। आज के इस आनंद के लिए ऐसा लगता है कि देवता भी इंदिरा स्वर्ग से हम सबके लिए आनंद के लिए, स्वागत के लिए वर्षा के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान का भी आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मुझे बताया गया कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी। अरे बारिश होती कैसे, बहनों को बुलाओ तो बारिश ही बारिश होगी, ये आनंद की वर्षा होगी। इस आनंद के लिए तो देवता भी तरसते कि सावन का महीना कब आ जाए। और बहनों के उस प्यार के लिए, क्या हमारे लिए मानवीय सभ्यता में, खास करके भारतीय संस्कृति के इतिहास में त्योहारों की रचना जो ऋषि मुनियों के समय से हुई है, हमारी भारतीय संस्कृति की ध्वजा को लेके चलने का, सारे त्योहार अपना अपना महत्व रखते हुए आनंद में डुबाते हुए जीवन जीने के लिए और इच्छा शक्ति को प्रबल करते हैं, ये परमात्मा की कृपा है। हमारे लिए तो क्या रचना बनी है त्योहारों की। होली आएगी तो सारे मन की कलुषताएं, सबकी दूरियां मिट करके रंगों में रंग सब मिलकर के आनंद में डुबा देते, वो होली का आनंद हम सबके लिए फागुन का महीना लेकर के आता है। दिवाली की बात करो तो क्या कहना, भगवान राम ने रावण को जरूर मार करके लंका पे विजय प्राप्त की है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर में सुख आनंद का दीपक जले, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसलिए दिवाली का पर्व और ये होली और दिवाली दो त्योहारों के बीच दोनों बार हमारी फसलों की अपनी आवक के माध्यम से अपने जीवन की दशा बदलती है। और त्योहारों की श्रृंखला तो ऐसी है कि 12 महीना और 13 त्योहार, उसका आनंद ही अलग है। और त्योहार में त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन का पावन पर्व का त्योहार, इस त्योहार के आगे सारे हमारे त्योहार फीके पड़ते हैं। रक्षाबंधन बहनों से भाई की रक्षा का संकल्प, दो धागे जरूर बांधती है बहनें, लेकिन ये दो परिवार के बीच पुल का काम करता, सेतु का काम करता है। बहनों का अपने भाई के प्रति माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा प्यार लुटाने वाला कोई शख्स घर में है तो ये सभी बहनें, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। पूरे साल इंतजार करती बहनें उमंग से, उत्साह से, जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है। परिवार वाले, ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया है, और धीरे धीरे करके रक्षाबंधन की तरफ बढ़ते हैं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके, यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की मूल आत्मा गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आनंद वैभव की वर्षा, जो उनका हक है वो उनका हक उन तक पहुंचे। हम बात अगर करेंगे तो कई लोगों को कष्ट भी होगा, लेकिन इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि वो समय भी याद है जब कांग्रेस के बड़े एक नेता हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हमने कह रहे, उनके नेता ने कहा था, लेकिन बाद में बीच में कहा जाते हैं वो प्रधानमंत्री को मालूम नहीं। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जो डंके की चोट कहते हैं, एक रुपया अगर किसान सम्मान निधि का पहुंचना चाहिए या एक रुपया भी लाडली बहना का उनके खाते में पहुंचना चाहिए तो आप बताओ पहुंचता कि नहीं पहुंचता, आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बता दे। जोरदार ताली बजा करके ये अपने व्यवस्था का सम्मान करें। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा, लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई बहनों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में एक रुपया 1.25 रुपये में कोई चलाती है तो हमारी बहनें चलाती है, वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपने पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी, क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है, तमाम कष्ट तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि माँ का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपनी देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कहकर के पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम राधे कृष्ण, पहले माँ का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है, और ये महीना तो और आनंद में डुबाएगा। रक्षाबंधन 19 तारीख को आएगा भले ही, लेकिन जब एक बहन हो दो बहन हो तो राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन का इंतजार कर दो। जब हमारी 1,39,00,000 बहने हो तो पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पूरे महीने आनंद मनना चाहिए। इसीलिए सावन के महीने में हमने तय किया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर दिन दिवाली की तरह हर दिन रक्षाबंधन मनेगा। आप आनंद के साथ अपने भाइयों को राखी बांधे, जोरदार ताली बजाए अपने इस अभियान के लिए भी। कोई इस रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगी आने दो 19 तारीख के दिन, लेकिन अपने सांसद विधायक मंत्री पार्षद पंच सरपंच प्रमुख अलग अलग प्रकार के जनप्रतिनिधि, अरे हम तो अपने भाषण में भी किसी अच्छे वक्ता से अगर भाषण सुनेंगे तो हमारे यहाँ तो स्वामी विवेकानंद ने इसी एक वाक्य को बोल करके भारतीय संस्कृति का तब भी परचम लहराया था, जब उनने कहा था केवल दुनिया ने पहली बार हमारी संस्कृति से परिचय पाया था, जिनने भाषण में लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, उनने कहा भाइयों और बहनों, ये जो शब्द है इसके बोलते ही हमारे संबंधों की पराकाष्ठा होती है,
इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद तय किया कि हमारे सारे त्योहार, क्या मकर संक्रांति, अब मकर संक्रांति जो बहने जितना महत्व तो समझती है उतने तो भाई भी नहीं समझते। भाई तो कभी पतंग उड़ाएंगे या गिल्ली डंडे खेल लेंगे, लेकिन बहने सुहाग का सामान बांट करके जो जैसी जिसकी क्षमता होगी वैसे वो कुछ न कुछ सामान देती है, और वो केवल सामान नहीं देती है, वो एहसास कराती है इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है तो तिल तिल करके सूर्य देवताओं का प्रकाश बढ़ेगा। मकर संक्रांति में दिन का उजाला बढ़ता जाएगा तो अपने जीवन से सबके जीवन में प्रकाश फैलता जाए, दुख का अंधेरा कम होता जाए, आपस में संबंधों के बलबूते पर हर की गृहस्थी अच्छी बसती जाए, इसलिए मकर संक्रांति का आनंद मनाते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुड़ी पड़वा हमने धूमधाम से मनाई, नए साल की शुरुआत। अरे गुड़ी पड़वा हमारी जो आनंद देती वो 1 जनवरी में कैसे हो सकता है? 1 जनवरी है अंग्रेजों के शासन की शुरुआत है, वो अंग्रेजी कैलेंडर का साल है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है।